गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि कल के क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें से क्या हुआ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो गई। और उसमें क्या हुआ कि गुड आफ्टरनून सीमा, तो वो टॉपिक क्या होता, कुछ छूट गया था दो तीन उसमें से पॉइंट। गुड आफ्टरनून दीपक, तो कल क्या हुआ, पिछले क्लास में क्या हुआ था, कुछ टॉपिक उसमें से छूट गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, कुछ दिक्कतें हो गई थी। तो आज हम लोग पुनः क्या करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे और आज कंप्लीट करें। अंकिता गुड आफ्टरनून, और जितने भी लोग हैं एक साथ गुड आफ्टरनून बोल दें, जिससे पता चल जाए कि कितने लोग जुड़े हैं क्लास में। ठीक है, चलिए। तो कल के क्लास में हम लोग क्या हुआ था, दो पॉइंट क्या किए थे, दो पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया था, कवर कर लिया था। एक पहला लार्ज पॉपुलेशन, मुस्कान गुड आफ्टरनून, और दूसरा था राइजिंग रूरल प्रॉस्पर्टी। ठीक है, यानी क्या किया था, इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया था, टॉपिक को ख़त्म कर लिए थे। तीसरा टॉपिक हम लोग का चल रहा था, इसी समय क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके वजह से हम लोग की टॉपिक पूरी की पूरी छूट गई थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो कल होगा उसके लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ। तो कल के क्लास में जो दो टॉपिक हुआ था, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को हुई हो तो बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हुई थी कल के दो टॉपिक में, कि हम फिर रिपीट कर दें, कुछ दिक्कत हुई थी कल के टॉपिक में किसी को भी, एनीवन? नहीं तो रिपीट कर दे रहे हैं, दो मिनट का काम लगेगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। किसी को भी? चलिए ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ग्रोथ इन कंजम्पशन, यानी क्या था कि उपभोग में वृद्धि, क्या था, उपभोग में वृद्धि। तो उपभोग कल हम लोग चर्चा कर लिए थे, उपभोग क्या होता है, यानी कोई वस्तु उत्पादित की गई है किसी के द्वारा और उसका क्या कर रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है और उसका क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। जैसे एक लकड़ी बनाने वाला, एक कुर्सी बनाने वाला व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, कुर्सी का निर्माण कर रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस कुर्सी पे बैठ रहा है, कुर्सी पे क्या कर रहा है, उसका हमेशा प्रयोग कर रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका उपभोग कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे हमको ये जानना है कि इसके वजह से ये क्या होला, एलिमेंट तैयार हो रहा है स्कोप के ग्रामीण क्षेत्र में, हमको ये जानना है। तो आपको पता होगा कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे बढ़ती ग्रामीण समृद्धि, क्या पढ़े थे, बढ़ती ग्रामीण समृद्धि। जहाँ पे विकास का क्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा वहाँ पे क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, उत्पादन का जो कार्य होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से वृद्धि होगी। और जब उत्पादन का काम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसी हिसाब से मांग भी बढ़ेगी, क्या होगा, मांग भी बढ़ेगी किसी वस्तु का। जब मांग बढ़ेगी तो मांग किस लिए बढ़ रही है, कि उसका हम उपभोग कर सकें, प्रयोग कर सकें। समझ में आया? यानी कहीं भी रूरल क्षेत्र में या कहीं भी किसी भी जगह कोई चीज़ उत्पादित हो रही है, उत्पादित क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी मांग है, क्योंकि उसकी मांग है। और मांग क्यों है, क्योंकि उसका उपभोग करना है, इसी कारण से ये प्रक्रिया चलती है। तो ये प्रक्रिया क्या हो रही है, रूरल एरिया में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से लोग क्या कर रहे हैं, उपभोग में वृद्धि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उनके वहाँ इनकम ज़्यादा हो रहे हैं, उनके वहाँ माध्यम जो हो रहे हैं पैसा कमाने का वो बहुत तरीके से हो रहे हैं। तो वो उनके अंदर क्या हो रही है, वो ये मांग बढ़ रही है बहुत तेजी से, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया हो रही है और वो क्या कर रहे हैं, रहन सहन के अपना जो है शहरों की तरफ मुड़ रहे हैं, वो क्या कर अनुबंध खेती कर रहे हैं, बाहर से पैसा वहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे जब इनकम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात, जब इनकम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वो दूसरी वस्तुओं की मांग करेंगे तो यानी उपभोग करेंगे। तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र जो है रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, समझ में आया? यानी
आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सीमा, आवाज तो आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम में आप हैं, यहाँ तो आवाज क्लियर है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सीमा आप नेटवर्क में नहीं हो, थोड़ा सा इसको देख लो। चलो, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ, ये बहुत तेजी से विकास हो रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण विपणन में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से उसके क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को कोई? चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से ग्रामीण विपणन के क्षेत्रों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, अब आगे इसको पहले पढ़ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह। ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि वहां का इनकम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां पे विकास बहुत तेजी से हो रहा है, वहां पे इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लेकिन शहरी खर्च की तुलना में प्रति व्यक्ति हाउस होल्ड खर्च अभी भी कम है, यानी कहने का मतलब है उसको सब हो रहा है लेकिन अभी भी कहीं भी क्या है, पर कैपिटा इनकम शहरों की अपेक्षा गाँव में कम है, लेकिन फिर भी ये चीज क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्रोथ इन कंपनसेशन यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का बहुत महत्व है। किसी को इसमें पूछना है कुछ, किसी को भी? एनीवन, समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हो रहा है इसके लिए, किसी को कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीवन शैली व मांग में बदलाव दिखाई, अंकिता ठीक, कोई बात नहीं। चलिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है जीवन शैली और व मांग में बदलाव, क्या है, लाइफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड डिमांड। ये जो भी नंबर है, चार चौथा या पांचवा नंबर जो भी पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों भैया इस क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का क्या महत्व, बहुत तेजी से महत्व हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है, जीवन शैली का मतलब क्या होता है, रहन सहन में क्या है, बदलाव, क्या है रहन सहन, जीवन शैली का मतलब क्या, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, आपके रहन सहन में बदलाव होना, वही क्या कहती है, जीवन शैली में बदलाव, ठीक है। उसके बाद मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि वहां का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, शहरों के लोग क्या, शहरों में लोग क्या कर रहे हैं, अब निवास करने गांव के लोग जा रहे हैं, वहां से क्या, शहरों से क्या, गांव में पैसा आ रहा है, तो जब ये चीज हो रहा है और वहां पे विकास हो रहा है, तो विकास किस चीज का हो रहा है, सब चीज का हो रहा है, रहन सहन का हो रहा है, खान पान का हो रहा है, तो पढ़ाई लिखाई की हो रही है, प्रति व्यक्ति इनकम हो रही है, यानी इन सब चीजों का क्या हो रहा है, उन लोगों के अंदर बदलाव आ रही है, बदलाव आ रही है, तो उनकी मांग में भी क्या हो रही है, बदलाव आ रही है। जब लोगों के बदलाव में अंतर आता है, रहन सहन में अंतर आता है, तो उनकी जो मांग क्या होती है, बदल जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, जब आपका इनकम बढ़ता है, जब आपका इनकम, किसी का इनकम अगर 10,000 है, तो वो 10,000 रुपये में क्या करेगा, अपने जो भी वस्तुएं जो पूर्ति करनी होगी, ये 10,000 में करेगा। लेकिन जैसे उसकी इनकम बढ़ जाएगी 20,000, तो क्या करेगा, अपने लाइफ स्टाइल को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इनकम बढ़ गई। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति की फिर 30,000 हो गई, 30,000 हो गई, तो फिर क्या होगा, इसके लाइफ स्टाइल में और चेंजिंग आ जाएगी। यानी जैसे जैसे लोगों का ग्रोथ होता है, विकास होता है इनकम में, या रहन सहन में, या खान पान में, या प्रति व्यक्ति आय में, तो क्या होती है, उनके जीवन शैली में क्या होता है, बदलाव आता है। और मांग क्या होता है, मांग में भी क्या होता है, बदलाव। वो पहले क्या करते थे, जो चीज़ उनको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उस चीज की मांग करते थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया है, इसलिए वो क्या कहे, अब भौतिक चीजों का भी उपयोग करने लगे हैं। भौतिक चीजों का मतलब क्या हो गया, जैसे टेबल फैन, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब ऐसे क्या हैं, भौतिक चीजें हैं, जो गांव में भी अब क्या, इसकी मांग बढ़ रही है, क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विपणन का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, किसी सबको क्लियर है,
कुल मिला जुला के ये है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का लाइफ स्टाइल, जीवन शैली क्या है, शहरों की अपेक्षा गांव में भी परिवर्तित हो रही है। गांव में लोग क्या कर रहे हैं, अब शहरों को देख के क्या रहे, उनके अंदर क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। और उसी बदलाव का देन है कि उनके अंदर भी शहरों के जो चीज लोग यूज करते हैं, गांव में भी लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज का, उस वस्तु का प्रयोग करने लगे हैं। ये बदलाव आ रही है कैसे, क्योंकि अब गांव में भी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का बहुत बड़ा संभावना दिख रही है। किसी को कुछ इसमें पूछना है, किसी को, अब इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ यहाँ समझने में कोई दिक्कत, किसी को, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है ग्रामीण उपभोक्ता की जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। क्यों आया है आपको पता है, इसलिए आया है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, वहाँ के भी लोग अब क्या है, पढ़े लिखे हो रहे हैं, इसलिए क्या है, उनका जो जीवन शैली में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। दूसरा, ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा टेबल फैन, रेडियो, मोपेट यहाँ पे कार से मतलब है, साबुन आदि जैसे ड्यूबेल्स और नॉन ड्यूबेल्स की मांग में वृद्धि हो रही है। ड्यूबेल्स में आपको बताया था, ड्यूबेल्स का मतलब क्या होता है, ड्यूबेल्स भी FMCG नाम आप लोग सुने होंगे, FMCG, कोई बताएगा FMCG का फुल फॉर्म क्या है, कोई भी FMCG का फुल फॉर्म कोई बताएगा, अ क्या होता है थोड़ा सा, कोई भी, एनीवन, पिछले क्लास में हम लोग इस चीज की चर्चा कर चुके हैं, किसी को भी, हाँ अंकिता, गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, गुड अंकिता, गुड, बहुत अच्छी। तो ये FMCG क्या है, ये उन क्षेत्रों में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सरकार क्या कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम लागत में ज्यादा उत्पादित वस्तुएं हो रही हैं, इसके कारण से, जो जैसे साबुन तेल, जो क्या है, जो तुरंत क्या होता है, उत्पादन होता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, इसे ही कहा जाता है फास्ट मूविंग, क्या है, फास्ट मूविंग FMCG है ना, FMCG सी जी है, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ये है। तो इसी तरह ड्यूबेल्स है, ड्यूबेल्स भी क्या है, ये उसी तरह FMCG की तरह क्या है, एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी क्या करता है, भारी भरकम वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे फैन, कूलर, AC, कार, ये सब क्या है, ये सब उत्पादित की गई वस्तु के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, इसलिए अब ड्यूबेल्स और नॉन ड्यूबेल्स की मांग में वृद्धि हुई है, यानी क्या हो रही है, गांव में भी इस चीजों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है आपको पता है, क्योंकि वहां का इनकम ग्रोथ कर रहा है। आगे कह रहा है, यह उत्पाद के लिए एक तैयार बाजार प्रदान करता है, ग्रामीण बाजार दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी इसकी क्या है, क्यों कहानी है, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। कारण क्या है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोगों की मांग बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ का उस शहरों में क्या कर रहे हैं, लोग आना जाना हो गया है, शहरों के लोग गांव में आ रहे हैं, जिसके वजह से उनके अंदर बदलाव आ रहा है, और वहाँ का रहन सहन गांव में भी आ रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का बहुत बड़ा संभावना दिख रही, इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्र अब बनता जा रहा है। किसी को इस टॉपिक से कुछ पूछना है, किसी को भी इसमें से कुछ पूछना है, किसी को भी, चलिए किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को भी, किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट नंबर है आपका क्या, मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन अर्बन, क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन अर्बन, शहरी की तुलना में ग्रामीण, यहाँ पे थोड़ा सा एक छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है, ग्रामीण बाजार है, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा हिंदी वाले जो भी लोग होंगे इसको देख लेंगे कि शहरी की तुलना में ग्रामीण बाजार की वृद्धि दर ये है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन अर्बन। अब ये क्या है भाई, ये कैसे है,
ऐसे है, जैसे इसको समझ देते हैं अच्छी तरह, कि अब क्या है, शहरों का जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, गांव का भी, जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार है वो भी, उसमें भी रेट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे सिर्फ जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं, जैसे इसको समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छी तरह, कि मार्केट ग्रोथ यानी बाजार का जो ग्रोथ है, कौन मार्केट ग्रोथ, अर्बन का, और जो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण बाजार की वृद्धि दर, यानी यहाँ भी क्या हो रही है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। सिंपल सी उदाहरण है, एक साबुन का जो हम यूज करते हैं, हम और आप या गांव के लोग जो भी लोग, तो वो अब क्या हो रहा है, वो गांव में भी वही साबुन जो शहरों के लोग यूज कर रहे हैं, वही साबुन कौन यूज कर रहा है, गांव के लोग भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे में ये जो रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अब जो रेट पहले जो होता था, जो शहरों में जो रेट होता था वही क्या हो रही है, अब गांव में भी रेट, वही रेट इस साबुन का मिल रहा है। यही चीज बात, गांव में ऐसा नहीं है कि ये गांव में क्या है, ऐसा नहीं है कि शहरों में ये 10 रुपये का मिलता है तो गांव में ये क्या करेगा, इसका लोग इसका यूज नहीं जानते हैं तो 5 रुपये हम खरीदेंगे, नहीं, इसका भी क्या है, 10 रुपये में इसकी वैल्यू है, क्या है, 10 रुपये में भी इसकी वैल्यू है। यही चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट अर्बन का रेट है किसी वस्तु का, वही रेट क्या है, अब गांव में भी है, क्या है, वही रेट सेम गांव में भी है, कोई अंतर अब नहीं है। क्यों, क्योंकि अब वहां का भी क्या है, इनकम बढ़ रहा है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, वहां का भी जो यूज करने वाले लोग हैं वो समझदार हो गए हैं, इसलिए वहां की मांग बढ़ रही है। जब मांग बढ़ रही है तो क्या होगा, ग्रामीण बाजार की जो वृद्धि रेट है वो क्या हो रहा, स्वाभाविक है, क्या होगा बढ़ेगा। यही कारण है मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन अर्बन, अर्बन का जो रेट है वही अब क्या है, गांव के में जो वस्तु उत्पादित हो रही हैं वही रेट पे बिक रहा है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? आइए एक कारण और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब FMCG क्या कर रही है, वही क्या कर रही है, जो कम लागत में जो जल्दी से सामान यूज करने वाले हैं उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जब इन्वेस्ट हो रहा है तो जैसे दूध, साबुन, तेल, कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कम लागत में और जल्दी उपभोग की जाए वही FMCG के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा लग रहा है, इसलिए जो रेट तय हो रहा है अब गाँवों के रेट के हिसाब से क्या हो रहा है, तय हो रहा है, इसलिए गाँवों में भी जो रेट है वो शहरों की अपेक्षा क्या रही है, अब बढ़ रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक में किसी को पूछना है, किसी को भी, इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं उसके बाद तब, किसी को कुछ पूछना है, किसी को भी, कोई जवाब नहीं आ रहा है, यानी समझ में नहीं आ रही आप लोगों, क्यों, तभी तो, किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस टॉपिक में, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता सामान FMCG, ठीक है, बाजार और टिकाऊ बाजार की विकास दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा जहाँ पे निवास करते हैं वहीं भी लोग क्या करेंगे, इसका उपभोग करेंगे। उसके बाद साबुन का, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे वहीं पे उसकी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो रेट तय हो रही है, गांव में भी रेट वही दर मिला, वहाँ भी क्या हो रहा, विकास हो रहा है, अधिक है। कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल आदि उत्पादनों के लिए ग्रामीण बाजार में हिस्सेदारी 50% से अधिक है। यानी अब क्या है, अब लोगों जो उत्पादन करने वाले लोग हैं यानी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज हो रही हैं, अब गांवों को देखते हुए, गांव में उसकी मांग को देखते हुए क्या कर रही हैं, बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन के लिए बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए ग्रामीण विपणन जो है, इसका जो क्षेत्र है, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा विकास हो रहा है। किसी को इसमें कुछ पूछना है, किसी को भी इसमें पूछना है? सीमा, अंकिता, मुस्कान, नहीं, ठीक, और
ये वाला समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत समझने में? सीमा, वन टाइम, कौन सा वाला? कौन सा वाला बेटा? सीमा, कौन सा वाला समझा दें फिर से? फोर नंबर, फोर नंबर क्या था थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए, फोर नंबर क्या था? किसी को और पूछना है इसमें कुछ? सीमा, कौन सा वाला पूछ रही हो? एमजी, एफएमसीजी, एफएमसीजी की बात कर रही हो? यस, अच्छा, एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है बेटा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये क्या है, जब हम मीनिंग पढ़ा रहे थे इसका, इसको हम अच्छी तरह से समझाए थे, फिर समझा दे रहा आपको। ये क्या है, ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, उन एक उन उन वस्तुओं का क्या करती हैं, ये सर्वे करती हैं, उन वस्तुओं का क्या करती हैं, देखभाल करती हैं जो कम समय में उत्पादित हो और उसका कम समय में क्या किया जाता है, उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेते हैं, वही वही क्या कहलाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यानी क्या है, अब इस संस्था में ये जो सर्वे हुआ, निंसल ने एक रिपोर्ट दिया था, कहा था कि एफएमसीजी के क्षेत्रों में बहुत तेजी से इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी के क्षेत्रों में वो वस्तुएं आती हैं जो जो कम समय में उत्पादित, कम लागत में उत्पादित होती हैं और उसका उपभोग बहुत जल्दी से हो जाता है। इसीलिए जैसे दूध, क्या है, दूध का क्या होता है, कम लागत में उत्पादन होता है, इसका जल्दी से भी उपभोग किया जा सकता है। साबुन, जो गांव, जो क्या है, साबुन हुआ, पाउडर हुआ, ठीक है, तेल हुआ, ठीक है, ये सब ऐसे वस्तुएं हैं जो एफएमसीजी के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो एफएमसीजी ऐसा क्षेत्र से संबंधित होता है जो कम लागत में वैसे वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उसका उपभोग जल्दी से हो जाए। तो क्या करता है, अब इन्वेस्टर इन क्षेत्रों में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, और जब पैसा लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि गांव में बहुत सारे बाजार के संभावनाएं दिख रही हैं, ठीक है। जब पैसा इन क्षेत्रों में लगेगा तो यहाँ का जो दूध उत्पादन क्या होगा, बहुत बढ़ेगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र में पैसा लगेगा तो कृषि क्षेत्र का उत्पादन, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्टर क्या है, बहुत सारे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। सीमा, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, किसी को और कुछ पूछना है इस टॉपिक से? सीमा, हमारा लास्ट टॉपिक ये बचा है आपका, निर्णय लेने वाली इकाइयां, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। नो, ठीक 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 है सीमा, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो अब ये क्या है, लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है निर्णय लेने वाली इकाइयां। निर्णय लेने वाली इकाइयां का मतलब है कि अब क्या है, अब क्या है, लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग क्या है, समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो शहरों में जाके रहने लगे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। अब उनके अंदर जो जो पैसा कमाने का इनकम अब सोर्सेज है, बहुत सारा माध्यम होता है, माध्यम हो गया है, तो इसलिए उनके अंदर क्या है, निर्णय जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? जैसे पहले क्या होता था, लोग कम पढ़े लिखे होते तो उनके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता होती थी क्या होती है, कमजोर होती थी, कम होती थी, वो किसी ऐसे बात को लेके सोचने समझने की उनकी शक्ति कम होती थी। इसलिए क्या होता था, उनके अंदर जो जो भी चीज़ें होती थी खरीदारी को लेके, व्यवसाय को लेके, या उत्पादन करने वाली वस्तुओं को लेके सोचने समझने की शक्ति कम होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी और जो लिटरेसी थी वो कम थी। अब क्या है, आधुनिक
आधुनिकता आने की वजह से उनके अंदर ये चीजें क्या हो रही है, बहुत तेजी से विकास हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वृद्धि हो रही है। किस चीज की? पर कैपिटा इनकम की, इनकम ऑफ सोर्सेज की। जब इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ रही है तो उनके अंदर जो क्षमता है, जो लिटरेसी की क्षमता है, जो पर कैपिटा इनकम की क्षमता है, जो डिसीजन की क्षमता है, क्या आ रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब ये चीजें बढ़ रही हैं डिसीजन की, तो क्या होगा? वो किसी ऐसे वस्तुओं का क्या करेंगी? मांग क्या करेंगी? बढ़ाएंगी। स्वाभाविक सा बात है, जब किसी व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है, तेज होती है, जल्दी होती है, तो क्या होता है? उसकी कार्य करने की जो क्षमता क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। उस दशा में क्या होता है? उस दशा में क्या होता है? लोग अच्छे कार्यों को करते हैं। ठीक उसी प्रकार अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष हो या महिलाएं हैं, वो क्या हैं? पढ़ी लिखी हो रही हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, उनके अंदर विकास की जो अवस्थाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और जो उनके कार्य करने की जो शैली है वो भी क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जब ये चीज हो रहा है तो क्या होगा? निर्णय, निर्णय का मतलब होता है किसी कार्य को लेके अपने सोच और समझदारी से किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर लेना ही क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। समझिएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बुद्धि, अपने विवेक से किसी कार्य को अंतिम रूप देना ही क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। सही बात है, सोच समझ से किसी कार्य को करेंगे तो क्या होगा? बेहतर होगा। तो यही चीज अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का बहुत बड़ा संभावना दिख रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, यहाँ पे महिलाएं एवं पुरुष दोनों लिख समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, पुरुष खरीदारी के लिए तेजी से निर्णय लेने लगे हैं। क्यों लेने लगे हैं? क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनकी लिटरेसी रेट क्या है? बढ़ रही है। इनकी जो रहन सहन की जो सभ्यता थी वो क्या है? बदल रही है। इनकी मांग क्या है? बदल रही है। तो निर्णय लेने की भी क्षमता क्या होगी? बदलेगी। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि 72.3% निर्णय संयुक्त रूप से एक परिवार में लिए जाते हैं। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, एक परिवार है वहाँ पे अधिकतर लोग एक सहमति से किसी कार्य को करते हैं। ये एक अध्ययन से पता चला है कि किसी कार्य को करने के लिए एक परिवार का सदस्य जो है उसमें से 75 अगर 10 लोग हैं, ठीक है, तो 7 लोग क्या कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ की क्या है, एजुकेशन क्षमता बढ़ रही है। आगे कह रहा है, शिक्षा और मास मीडिया के साथ निर्णय लेने में बच्चों की भूमिका भी बदल रही है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, लोग अब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, और उनके बुद्धि और विवेक क्या हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन का अपार संभावनाएं दिख रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र बनता जा रहा है।